अक्टूबर के पहले दिन ईरान ने इसराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे सालों की लुका छुपी के बाद इसराइल और ईरान के बीच एक ओपन वॉर लगभग शुरू हो गई है। न्यूज चैनल्स की माने तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो गई है। ईरान ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया इसराइल के खिलाफ। वर्ल्ड वॉर 3 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, द वर्ल्ड वॉर इज ऑलरेडी अपॉन अस। और अगर युद्ध हुआ तो इंडिया का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों ही इंडिया के एलाइज हैं। ईरान और इसराइल वॉर का असर आप पर कैसे होगा, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ईरान और इसराइल लड़ क्यों रहे हैं। ईरान और इसराइल के लड़ने का मेन रीजन ये है कि दोनों की विचारधारा एक दूसरे से अलग है। दोनों ही देश मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा चाहते हैं। इसराइल मानता है कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिसे इसराइल और आधी दुनिया टेररिस्ट मानती है। और ईरान का ये मानना है कि इसराइल पीपल मुजाहिदीन ऑफ ईरान को सपोर्ट करता है, जिसे ईरान टेररिस्ट मानता है। और कुछ दिन पहले ही इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। साइंटिस्ट के मरने के बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया। हालांकि इसराइल ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है, पर प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम बदला जरूर लेंगे। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. और अगर ईरान और इसराइल के बीच युद्ध हुआ तब इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इंडिया का बहुत कुछ दाव पर लग जाएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, इंडिया के रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। इसराइल इंडिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, तो वहीं ईरान के साथ इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। और जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया तब भी इंडिया के 3 नेवी शिप्स ईरानियन पोर्ट पर ही थे। लेबनान में 3,000, ईरान में 10,000 और इसराइल में 30,000 इंडियंस रहते हैं, जिन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से सफर करना पड़ सकता है। इंडिया 46% ऑयल और 70% नेचुरल गैस वेस्ट एशिया से इम्पोर्ट करता है, जो ईरान के रास्ते ही इंडिया आता है। तो अगर युद्ध के कारण ईरान ने इस रूट को बंद कर दिया तब इंडिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ऑयल क्राइसिस भी आ सकता है। और इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिससे पाकिस्तान को बाइकॉट करके अफगानिस्तान और यूरोप के साथ आसानी से ट्रेड किया जा सके। पर अगर ईरान युद्ध में फंस गया तब इंडिया को इस प्रोजेक्ट को रोकना होगा, जिससे इंडिया को मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इसराइल और ईरान की स्थिति बहुत नाजुक है, दुनिया के बड़े देशों को मिलकर बात करनी चाहिए, जिससे इस मुद्दे का हल निकले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।